हरे कृष्ण। सुमित्रा के महल से बाहर निकल के लक्ष्मण उर्मिला के पास आए। उर्मिला हैड ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी प्रोफेशनल आर्टिस्ट। उर्मिला के सबसे मनपसंद हॉबी थी पेंटिंग करना, और जब भी वो पेंटिंग फ्रेंजी में जाती, उनके आसपास में लक्ष्मण को छोड़ करके और किसी को आना अलाउड नहीं था। क्योंकि जैसे आर्टिस्ट्स, आपने देखा होगा, आर्टिस्ट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको हमेशा अच्छे से रखना पड़ता है। व्हेन दे आर इन गुड मूड दे आर द बेस्ट पीपल, एंड व्हेन दे आर नॉट इन गुड मूड दे विल बी द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल। दैट इज हाउ आर्टिस्ट्स आर, एंड उर्मिला वॉज नो एक्सेप्शन। हर किसी को पता था कि जब उर्मिला अपनी सबसे फेवरेट एक्टिविटी में मस्त है, और वो है पेंटिंग, उसे किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी हलचल उर्मिला को इमीडिएटली स्टार्टल कर देती है। और अब तो उर्मिला अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग बना रही थी, वो था राम और सीता का राज्याभिषेक का पेंटिंग। और वो इतना सुंदर बना था कि उर्मिला हरसेल्फ कंसिडर्ड इट हर मास्टरपीस। मतलब हर एक आर्टिस्ट की नजर में उसने किए हुए आर्ट में सबसे अच्छा जो होता है मास्टरपीस। राम और सीता सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं और उनके ऊपर पुष्पों की वृष्टि हो रही है, ये वो पेंटिंग था। एंड शी वॉज गिविंग हर फाइनल टचेस कि वहां पर किसी के आने की आवाज हुई, चिक 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 चिक। और उस आवाज ने सुमित उर्मिला को थोड़ा सा हिला दिया, और उनके हाथों से पेंट का जो बॉल था वो पूरा उस कैनवस के ऊपर गिर गया। और वो जो कैनवस था, वो जो पेंटिंग थी, उसमें वो पूरी बर्बाद हो गई। एंड उर्मिला वॉज सो एंग्री बिकॉज इट वॉज हर मास्टरपीस इन हर ओन आइज। क्रोध से उन्होंने पीछे देखा कौन है, उन्होंने देखा उनके पति, जो सर नीचे करके वहां खड़े हैं। और उनको देख करके तुरंत उर्मिला के मन से वो क्रोध चला गया। तुरंत वो अपने पति के पास आई, बोले, स्वामी क्या हुआ, आप सर नीचे करके क्यों खड़े हैं? लक्ष्मण ने पूरा वृत्तांत बताया और कहा किस प्रकार से राम और सीता को वन जाना पड़ेगा और वो भी उनके साथ जाएंगे, सुमित्रा ने हाँ कर दी है और मैं तुमसे अलविदा लेने आया हूं। उर्मिला कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्मण कहते हैं, आप सब कुछ थोड़े समय में जान जाओगी, लेकिन अभी इतना जानो कि कैकेयी ने दो वरदान मांगे, उसकी वजह से राम और सीता, राम को जाना पड़ा वनवास, भरत अब राज्य करेंगे। सीता की इच्छा है कि वो राम के साथ जाए, और मेरा कर्तव्य है कि मैं उन दोनों के साथ जाऊं। उर्मिला का मुंह इतना सा हो गया। उर्मिला कहने लगी, स्वामी मैं तो आपके साथ आना चाहूंगी, लेकिन अगर मैं आपके साथ आऊंगी तो आपका जो कर्तव्य है प्रभु राम के प्रति और आपकी जो सेवा है राम के प्रति, उसमें कहीं ना कहीं खंड पड़ेगा, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी सेवा में कोई बाधा हो। एक पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति के हृदय को जाने और अपने पति की सेवा में उसकी सेवा दे, ये नहीं कि उसकी सेवा में अपने पति को लगाए। मैं जानती हूं अब से 14 साल तक राम की सेवा और सीता की सेवा, ये आपके जीवन का उत्तरदायित्व है, ये आपके जीवन का लक्ष्य है, और आपने उस उत्तरदायित्व और लक्ष्य के लिए अपने निजी स्वार्थ, अपने कंफर्ट्स, अपनी इच्छाओं को, अपनी मां और अपनी पत्नी को भी त्याग दिया है। तो जब आपने इतना त्याग किया है तो आपके श्री चरण कमलों का अनुसरण करते हुए मैं भी अपनी इच्छाओं को और अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को आपके प्रति त्यागती हूं, क्योंकि ये त्याग ये आपकी कर्तव्य निष्ठा में सहायक बनेगा। आई नो
इट विल बी टू मच फॉर मी टू बेयर, आई नो इट विल बी टू मच फॉर यू टू बेयर, बट आई नो दिस इज द नीड ऑफ द आर। ऐसा कहते हुए उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए, लक्ष्मण की आंखों में आंसू आए। सुमित्रा से मिलने पर लक्ष्मण की आंखों में आंसू नहीं आए थे, लेकिन उर्मिला से मिलने पर आए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण अपनी माँ सुमित्रा को जानते थे, वो 25 साल से अपनी माँ को देख रहे थे। ही न्यू वॉट शी वॉज। लेकिन उर्मिला ये तो अभी 10 साल से आई है, 11 साल से आई है, लेकिन इसने इतनी सेंसिटिविटी दिखाई है इस सिचुएशन को डील करते हुए कि लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। ये दोनों वृत्तांत लक्ष्मण ने सुमंत्र को बताए। उर्मिला ने लक्ष्मण के और सुमंत्र के दोनों के हृदय को जीत लिया था। सुमंत्र कहते हैं, अरे ये कैसा परिवार है, हर कोई दूसरों के लिए अपने सुखों को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने सारे जीवन की इच्छाओं को त्यागने के लिए तैयार है, एक्सेप्ट वन कैकेयी। उस एक स्त्री की इच्छा ने पूरे अयोध्या को और राज परिवार को दुख के सागर में डुबो दिया है। पता नहीं ये कैसी औरत है। ऐसा कहते हुए सुमंत्र भी थोड़ी सी झपकी लेने के लिए एक दूसरे स्थान पर चले गए, लेकिन लक्ष्मण अभी भी जागे थे। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद होता है लक्ष्मण का एक बहुत ही खास व्यक्ति के साथ। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कल। हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात।